हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। साथियों, इस गीत में एक बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि अगर हम साथ साथ हाथ में हाथ डालकर चलेंगे तो हम इस जंग को जीत सकते हैं, हम डरेंगे नहीं। कोरोना से डरो ना और हम फिर कामयाब होंगे। हम में से कुछ लोग इस लड़ाई के दौरान गिरेंगे, निश्चित रूप से गिरेंगे, पर हम गिरने नहीं देंगे किसी को। और अगर हम ऐसे चलेंगे तो निश्चित रूप से शांति स्थापित होगी। तो दोस्तों, ये चुनौती का अवसर है, ये चुनौती को एक अवसर के रूप में लीजिए और इसमें लोगों से जुड़ने का हमारे को एक अभूतपूर्ण अवसर मिला है, तो इसको आप सकारात्मक रूप से लीजिए, पॉजिटिव रहिए और एक दूसरे का मनोबल बढ़ाइए। हर रोज हम 11 बजे सेट पर मिलेंगे। मैं पुनः आपके जज्बे को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जय हिंद, ओवर एंड आउट। वालों ने ड्यूटी करी है।
गाना गाया है, किसी ने चांद सिंह का अपनी भूमिका निभाई है, किसी ने कोरोना का भूत बनकर लोगों को डराया है, किसी ने गाने गाए, किसी ने खाना बांटा, किसी ने घर बहुत सारे लोग घर से अलग रहे, आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस वर्ल्ड का आजकल एक विशेष महीना है, महीने ऐसे कॉप मतलब कोरोना पुलिस, इस चीज को अपने जहन में रखिए। आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि ये जो इस समय का जो ये जो योग है थोड़ा सा नॉर्मल नहीं, इस समय लोग भी बेचारे अपने घर में बंद हैं, तो उनकी मानसिकता को समझिए और संवेदनशील रहिए और सहनशील भी रहिए, पर बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आपने इतने सकारात्मक रचनात्मक काम किए हैं, इसी तरह जो मेहनत करता है उसको भी मारने पीटने की बजाय उससे दो घंटे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले पुलिस की ड्यूटी कैसे होती है, दौड़ाई पे ट्रैफिक ड्यूटी करवा लो, नाके पे ड्यूटी करवा लो, उसको भी पता चले कि लोग पे खड़े होकर पुलिस कैसे काम करती है, उससे माफी मंगवा लो, दुकान पकड़ के माफी मांगे, उसका वीडियो बना लो, उसके सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवाइए कि हाँ मैंने लॉकडाउन के लिए मौका संघर्ष किया है, इंदौर वासियों से मैं माफी मांगता हूँ, उसके सारे ग्रुप पे डलवाइए। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिससे कि हम बल प्रयोग से भी बच सकते हैं और जनता को मैसेज भी कर सकते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। साथियों, इस पूरी लड़ाई में आपका जो